नमस्ते आदाब, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है, त्रीन वन, मतलब कबाब भी है वो एक पराठा भी है और वो एक स्क्यूअर भी है, ठीक है। तो इन सब को मिला के हम कुछ नया बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है रेसिपी। तो ये हमने चार बॉइल्ड आलू लिए हैं मीडियम साइज के, तो इसको पहले हम ग्रेट कर लेंगे। ऐसे अगर आपके पास ग्रेटर है तो आप ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, नहीं तो मैश कर लीजिए। ये आलू ग्रेट हो गए। ये एक कप पनीर है, मतलब करीब 100 grams, इसको ग्रेट कर लिया हमने, तो वो डाल देंगे इसमें। और ये कैप्सिकम है, तो ये आप करीब हाफ कप डाल दीजिए, बहुत पतला पतला काटिए ताकि ये कुक हो जाए आराम से। और ये ये एक कप बॉइल्ड कच्चा केला है, तो ये भी हम डाल देंगे इसमें। ये हमारे पास ये 1 inch अदरक है, 3-4 लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी मिर्च और थोड़ा कोथमीर। तो इसको हम पेस्ट बना लेंगे एंड ट्राई करेंगे कि इसमें बिना पानी के हम इसको पीसें। तो ये अदरक लहसुन हरी मिर्च और कोथमीर, ये इसको हमने पीस लिया और ये डाल दिया इसमें। अब ये एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको हमने बारीक कट करके इसको तल लिया है। अब इसको हाथ से बस ऐसे चूर देंगे। सॉरी ये गिर रहा है यहाँ पे, मेरी बहुत छोटी है ना। चलिए ओके, अब ये पूरी प्याज जो है ये हम डाल देंगे इसमें। ये डाल दिए। अच्छा, मैं आपको ये ना एक टिप बता देती हूँ। आप जब भी कबाब बनाएं और अगर आप इमीडिएटली उसको, मतलब मैरिनेट करने के बाद एक हाफ एन आवर में अगर आप उसको फ्राई करने वाले हैं, तो आप उसमें कच्ची प्याज जो है, मतलब कट करके छोटी छोटी स्क्वायर्स में जो काटते हैं उस स्क्वायर्स में काट करके आप कबाब के मिक्सचर में आप मिक्स कर दीजिए और फिर तल लीजिए, अगर आप इमीडिएटली बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्टोर करने वाले हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप प्याज जो है, अनियन जो है, उसको आप तल लें। तलने के बाद आप उसको चूरें और फिर आपका जो कबाब मिक्सचर है आप उसमें डाल दें। इससे होगा दो चीज़। एक तो ये होगा कि जो आपका जो प्याज है, प्याज में से पानी छूटता है, ठीक है, तो उससे बहुत चांसेस है कि आपका जो कबाब का मिक्सचर है वो ढीला पड़ जाए, लूज़ हो जाए, वेट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप प्याज तल के डालेंगे तो वो अवॉइड कर सकते हैं आप, मतलब वो गीला नहीं होगा आपका कबाब का मिक्सचर, वो वैसे के वैसे ही सूखा रहेगा। दूसरा, कभी भी अगर आप प्याज तल के डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर है ना, प्याज की जो खुशबू है तलने के बाद, वो बहुत अच्छी आती है। तो वो पूरी खुशबू और वो जो तली हुई प्याज का जो वो फ्लेवर है, वो पूरा आपके कबाब में इतना अच्छे से घुल मिल जाएगा, तो उसकी वजह से आपका कबाब का फ्लेवर एकदम डबल हो जाएगा। चलिए अब सारे सूखे मसाले डालते हैं। तो ये हो गई हमारी कसूरी मेथी, ये हमने हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर लिया है। चलिए पहले तो लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, ये करीब 1 teaspoon डालते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली है। ये हमारा धनिया पाउडर है, ये करीब हम 1 teaspoon डालेंगे। हल्दी 1/4 चम्मच, ज़ीरा पाउडर करीब 1/2 teaspoon, ये मेरी अम्मी का गरम मसाला पाउडर, ये 1/4 चम्मच। अच्छा, आप सोचते हैं कि मैं मसाले इतने थोड़े थोड़े क्यों डालती हूँ, अदरवाइज़ आप कोई भी कोई रेसिपी देखेंगे तो बहुत सारा मसाला जाता है उसमें। तो ये मसाले इतने कम इसीलिए लगते हैं क्योंकि ये जो सारे मसाले आप देख रहे हैं ना, ये सारे मेरी अम्मी घर में कूटते हैं,
तो इसको जैसे धनिया हुआ या ज़ीरा हुआ तो इसको लाकर इसको साफ करके इसको धूप में सुखाएंगे, फिर इसको फिर जो चक्की होती है मसाले की चक्की जो होती है वो अलग होती है, तो वहाँ पे जाके उसको वो मसालों को दलाएंगे मतलब पिसाएंगे, फिर लाके उसको स्टोर करेंगे बहुत अच्छे से। तो इसीलिए ये बहुत कम लगते हैं क्योंकि ये बाज़ार के मसाले नहीं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये मसाले चाहिए तो आप ऑर्डर करिए अम्मीज़ किचन को 9820098 पे आप फ़ोन कीजिए और उनको मंगा लीजिए। तो चलिए अब ये नमक डाल दिया हमने, अब ये सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, तो ये मुझे शायद एक बड़े बर्तन में निकालना पड़ेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए और ये आपका मसाला जो है कबाब जो है ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये मिक्स कर दिया। अब दूसरी चीज़, ये मैंने करीब एक कप ये डेढ़ कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसको नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा गूंधते हैं वैसे गूंध के रख लिया है, ठीक है। तो ये आप करके रखिए, डेढ़ कप आटा, उसमें थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा तेल डालिए और जैसे नॉर्मल हम आटा गूंधते हैं वैसे गूंध के आप रखिए। तो जो आटा था उसकी हमने ये नॉर्मल जो रोटियां हैं वो बना ली, तो तीन रोटी बन गई हैं, ठीक है। और हमने कबाब का मसाला है वो भी फ्रिज से निकाल लिया है। और ये मेरे पास ऐसे स्क्यूअर्स हैं, तो ये स्क्यूअर्स में अभी हम कबाब लगा देंगे। स्क्यूअर्स जब आप इस्तेमाल करें उसके पहले आप इसको थोड़ी देर पानी में भिगो लें, नहीं तो जब आप इसको पैन में डालेंगे या अवन में डालेंगे तो ये जल जाएगी क्योंकि ये बहुत पतली लकड़ी है। तो इसको हम धो के तो एक 5 मिनट तक हम इसको एक ग्लास में डाल के, पानी के ग्लास में डाल के फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये एक बॉल ले लिया हमने और ये एक स्क्यूअर ले लिया। अब ये बॉल को इस स्क्यूअर पे हम सीख जैसे हम लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे कबाब बन जाएंगे। ये 5 मैंने बना दिए हैं और ये बाकी 3 के मैंने बॉल्स बनाए हैं, तो 5 और ये 3 8, मतलब जितना मैंने क्वांटिटी बताया है आपको उसमें 8 सीख बन जाएंगे। चलिए अब इसको हम एक तवे पे फ्राई करते हैं। ये हमारे कबाब हो गए रेडी, ये अच्छे रेड हो गए हैं, ब्राउन अच्छे से, इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये एक रोटी ले ली हमने और ये एक कबाब ले लिया, ऐसे ऐसे ये लकड़ी निकाल दी और अब हम इसको रोल करेंगे। ये ऐसे हमने रोल कर दिया जैसे हम फ्रैंकी रोल करते हैं ना, वैसे हमने ये रोल कर लिया। अब इसके जो, और ये टाइट रोल करना है, ठीक है। और ये जो एजेस है ना ये थोड़े थोड़े से हम काट देंगे सो दैट वी गेट अ गुड शेप। ये देखिए ये ऐसे हमने ये एजेस जो है ये काट दिए। अब हम इसको ये करीब इतने इतने पीसेस में, सो 1, 2 एंड 3, तो एक रोटी में से ये 4 पीसेस हम बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमने ऐसे 4 पीसेस बना लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमने डाल दिया स्क्यूअर में ये ऐसे, ठीक है। और ये बाहर जो निकला है ये हम थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे और ये इसको थोड़ा सा ये दबा लेंगे, तो जो ओपन वाली साइड है ना वो उस तरफ से हम उसको पोक करके, सो दैट ये देखिए ये ऐसे जो ओपन वाली साइड है उस तरफ से हमने पोक करके ये स्क्यूअर में डाल दिया है। अब हम इसको ओपन फ्लेम पे हम इसको बारबेक्यू करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये ऐसी एक रिंग है, तो इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। लग रहा है ना ब्यूटीफुल, सो लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
ये हमने थोड़ा बटर लिया है और जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा उसमें हम लाल मिर्च पाउडर जो है वो डालेंगे। मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगी कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल हम बटर को मेल्ट करेंगे और करीब एक टीस्पून सिर्फ एक ये छोटा चम्मच हम इसमें हम डाल देंगे बस। और ये जैसे मिक्स हो जाएगा हम इसको गैस बंद करके साइड पर रख देंगे। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सिक चुके। अब इसकी मैं प्लेटिंग बताती हूँ और जो मैंने वो बटर और लाल मिर्च पाउडर जो मेल्ट किया था उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि उसका क्या करना है। तो ये जो हमने बनाया था बटर और लाल मिर्च ये हम इस पे ड्रिजल कर देंगे, है ना मज़ेदार। दिस इज हाउ इट गोस। तो प्लीज़ ट्राई करें, आप भी मज़े लें इस ब्यूटीफुल से कबाब के और एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।